नीतीश तिवारी की रामायण इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में रणबीर कपूर और साहिद पल्लवी के नाम पर फाइनल मुहर भी लग गई है। रणबीर कपूर जोर शोरों से रामायण की तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच नीतीश तिवारी को बड़ा झटका लगा है। खबरों के अनुसार बजट के चक्कर में प्रोड्यूसर मधु मंटेना ने फिल्म ही छोड़ दी है। नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण का बजट 500 करोड़ बताया जा रहा है, जबकि मधु मंटेना इस फिल्म पर इतना पैसा लगाने के फेवर में नहीं है। तब्बू, करीना कपूर खान और कृति सनन स्टार क्रू की बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन शुरुआत हुई। गुड फ्राइडे हॉलीडे के कारण पहले 3 फिल्म की अच्छी कमाई हुई है। मूवी के एडवांस बुकिंग ने भी धमाल मचवा दिया है। फिल्म ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग से लगभग 2,50,00,000 रुपए कमा लिए हैं। साउथ सिनेमा की फिल्मों में विलेन का रोल करने के लिए जाने जाने वाले एक्टर डैनियल बालाजी की मौत हो गई है। कार्तिक अरस्त ने उनकी जान ले ली है। उन्होंने कमल हसन, ममूटी, मोहनलाल समेत और भी कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया था। वो लगभग पिछले 20 सालों से मलयालम सिनेमा में एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। फिल्म मेकर बोनी कपूर नो एंट्री का स्वीकार ला रहे हैं। वहीं बोनी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनके छोटे भाई अनिल कपूर उनसे काफी नाराज है और उनकी आपस में बातचीत भी बंद है। बोनी कपूर के मुताबिक अनिल सीक्वल में भी अपनी एंट्री चाह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से कोई जगह नहीं थी। नो एंट्री के सीक्वल में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अर्जुन कपूर के नए लीड होने की खबर है। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए फेमस कुणाल कामरा हाल ही में सलमान खान पर मजाक उड़ाते हुए चर्चा में आ गए। उनकी वीडियो को केआरके ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में कुणाल ने कहा वो अब जोक्स के लिए माफी नहीं मांगते हैं। कुणाल ने वीडियो में कहा उन्हें सलमान खान से मॉरल लेसन यानी नैतिक शिक्षा लेने का ऑफर मिला है। हर शनिवार सलमान खान आएंगे और आपको बताएंगे कि एक बेहतर इंसान कैसे बने।